नीतीश राणे के अब्बा को मुर्गी चोर, आपको पता नहीं होगा तो, ये मुर्गी चोर का बेटा ये आके बोलता है कि मस्जिदों में घुस के मारूंगा, ये मुर्गी चोर का बेटा ये कहता है कि मैं ईद मनाने नहीं दूंगा। अरे भैया, मुर्गी को चुराते चुराते इतना आगे बढ़ गया है, तेरी औकात है हमारे सामने खड़े रहने की? आज आशमा शेख इस स्टेज से आपके सामने ये वादा करती हूँ कि मैं इंशाल्लाह अगर मुझे जीत के आप लोगों ने दिया तो ये नीतीश राणे रामगिरी जैसे जो कुफार है उनको इस मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मैं पूरे महाराष्ट्र मुंबई की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन इस कुर्ला कॉन्स्टिट्यूएंसी में कदम रखने नहीं दूंगी, यहां से बाहर खदेड़ के भेज भगा दूंगी उसको। ये मुर्गी चोर की, ये मुर्गी चोर की औलाद है, इनको हमने इनको इतना ऊपर बिठाया है, समझे आप लोग, हमने हमारी वजह से आज इतना बोलना सीखे हैं। तो भाइयों, आप लोगों को याद रखना है कि अभी आने वाला वक्त हमारा है, जो बीत गया वो खत्म, आने वाला वक्त हमारा है, हमको काम करना है एक साथ मिलकर। हम नीतीश राणे जैसे मुर्गी चोरों की आवाज बंद करेंगे, इनके मुंह के अंदर ही ठूस देंगे हम इनकी आवाज। ये रामगिरी महाराज जैसे जो गुस्ता के रसूल है, इनको हम यहाँ पे पैर नहीं रखने, यहाँ पे जो मशाल पार्टी की जो महिला है उसने बहुत सारे कॉर्पोरेटर रहने के वक्त ऐसे ऐसे काम किए जिसकी वजह से हमारे को तकलीफ हुई है, जैसे कसाईवाड़ा का कब्रस्तान के बारे में पता है आप लोगों को? उस कब्रस्तान को अगर एक सिर्फ फुट ओवर ब्रिज मिल जाए तो जनाजा लेके जाने में बहुत आसानी होगी, लेकिन इन्होंने वो काम नहीं किया। यहाँ पे 50-50, 40-40 माले की बिल्डिंग खड़ी है, लेकिन यहाँ पे ये कब्रस्तान के जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज 15 साल से नहीं बन रहा है। आप समझ सकते हो क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि कब्रस्तान किसकी क्यों बन जाता है? कब्रस्तान में किसका है, कहाँ, वहां पे कौन दफन होता है, कौन दफन होता है, जोर से बोलो, क्योंकि आज भी बहुत लोग सो रहे हैं, आज भी मेरे बहुत भाई सो रहे हैं, आज भी उनकी आंखें नहीं खुल रही है, बस उनको एक ही डर दिखाया जाता है कि यहाँ वोट डालेंगे तो वो होगा, ये होगा, ये होगा, कुछ नहीं होगा, यहाँ वोट डालो हम ही आएंगे, सिर्फ हम आएंगे। ये वक्त है मेरे भाइयों, मैं समझ गई, मैं एक औरत, मेरा काम घर पे खाना बनाना, जब मेरे दिमाग में ये बात आ गई तो आप लोगों की नहीं आई है? आप तो बहुत समझदार हो ना, हो कि नहीं, समझदार हो ना, तो आपके दिमाग में बात नहीं आ रही कि ये डर गए? ये सारे जितने कैंडिडेट खड़े 15, मेरा नाम है एडवोकेट आसमा शेख, सिर्फ मेरे नाम से दहशत है कि जो हमारा कसाईवाड़े का जलसा था उसको इन लोगों ने जानबूझ के परमिशन डाल के कैंसिल किया, सिर्फ आसमा शेख नाम की दहशत, असदुद्दीन ओवैसी के नाम की दहशत, जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के नाम की दहशत कि एक जलसे से डर गए। हमारे प्रोग्राम को हमने 4 तारीख से परमिशन डाला, पता है आपको, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या सेटिंग कर ली, 2 तारीख का लेटर बता के वहां से हमारे जलसे को इन्होंने कैंसिल करवाया। आप समझ सकते हो ये दहशत ही है, ये दहशत है। उनको पता है कि आज ये जो भाई है, ये जो बहनें यहाँ पे इतनी तादाद में बैठी है, ये पूरी तरह से जाग गई है, इनको पता चल गया है कि कोई वोट कहीं नहीं जाने वाला है, कहीं वोट नहीं जाने वाला है, इसीलिए इन्होंने अभी कुछ अपने भाइयों को लगा दिया है यहाँ पे जाके कानाफूसी करने, वकालत करने कि भाई ये, और कोई नहीं, मजलिश के बारे में कुछ गलत बोलने को, मजलिश के बारे में उनके पास कोई गलत बोलने को है ही नहीं, बस एक ही डर, हमेशा एक ही डर दिखाया जाता है कि मजलिश को वोट डालोगे बीजेपी जीतेगी, मजलिश को वोट डालोगे बीजेपी जीतेगी, बाकी इनके पास मजलिश के खिलाफ कुछ भी नहीं है,
कोई एक चीज नहीं है जो ये मजलिस के खिलाफ बोल सकते हैं। मेरे भाइयों बहनों जो यहाँ पे बहुत देर से बैठी हुई है, मैं आपको और भी बहुत सारी बातें बताना चाहती हूँ कि मुझे पता है यहाँ पे बीजेपी की तरफ तो हम देखते नहीं हैं, तो उसको उसकी बात करके अपनी जबान को खराब नहीं करना है, सही है ना? बीजेपी का नाम ले तो जाके फिर से वजू करके आना पड़े, इतना कुफार और इतना गंदगी है, तो उसके बारे में तो छोड़ ही दो। मुझे बताना है कुछ चीज़ें जो मशाल की, मशाल के बारे में पता नहीं अभी क्या एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है। ऐसा बताया गया है कि मशाल ही आज सब कुछ कर सकती है माइनॉरिटीज के लिए, मशाल ही सब कुछ कर सकती है, लेकिन ये सरासर गलत है। हमने 4 महीने से इन लोगों को देखा है। कोल्हापुर का इंसिडेंट भूल गए? कोल्हापुर जहाँ का एमपी कौन है, कांग्रेस वाला है ना, वहां पे क्या हुआ था? मस्जिद के अंदर घुस के उसके शहीद करने की कोशिश की और 50-60 साल पुराने जो लोग रह रहे थे उनको घसीट घसीट के मार के भगाने का काम किया गया। पर यहाँ पे ना मशाल के मुंह से आवाज निकली, ना पंजे के मुंह से आवाज निकली, कोई कुछ बोला नहीं बोला, क्योंकि काम खत्म, पिक्चर खत्म। वोट चाहिए था, आके खड़े हो गए, बता दिया आपको बड़े बड़े पिक्चर कि भाई हम लोग सेक्युलर है, हम लोग यहाँ पे बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे। अरे बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे, लेकिन हमारे लिए क्या कर रहे? कहाँ है हमारा रिजर्वेशन भाई? 5% रिजर्वेशन। ये सरकार आती है हमारे से वोट लेके जाती है। हम सही में बहुत अहम हैं, हम जिस तरफ जाते हैं वही की थोड़ा और इंतजार कर लीजिए भाइयों, आते ही ये साहब, तब तक मैं अपनी तकरीर बोल दूं, क्योंकि बहुत हिम्मत लगती है एक महिला को यहाँ पे खड़े रह के कुछ बोलना, आप समझ सकते हैं, तो थोड़ा उसका हौसला बढ़ाइए, थोड़ा प्लीज सुनिए। मैं कैंडिडेट भी हूँ आपकी, तो आपको थोड़ा मेरे बारे में पता भी चलेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे बारे में बहुत सारी अफवाहें भी उड़ाई गई है। तो आप आज हम रूबरू है, तो जान लीजिए आपके कैंडिडेट को। मुझे नहीं लगता है कि जो 2 कैंडिडेट खड़े हैं वो आपके सामने आएंगे और इतनी बातें करेंगे, हिम्मत नहीं है ना उनको आने की। हमारे को बोलते ना, हमारे नाम में ऐसी बरकत है कि हम कहीं भी घुस जाए। हम तब भी नहीं डरे थे जब हम 313 थे, तो हम आज भी नहीं डरेंगे भाइयों। तो यही मैं बताना चाहती हूँ कि अगर बीजेपी हमारा खुला दुश्मन है तो मशाल छुपा हुआ दुश्मन है। किसी की बातों में मत आइए, बहुत बहुत ही मतलब हालात इतने बुरे हैं। ट्रेन में सफ़र करना, ट्रैवल करना ट्रेन में, एक बंदे को सफ़र करना दाढ़ी टोपी लगा के किस दर्जे पहुंचा आपको पता है? वो जो बड़े मियाँ को मारा गया, कैसा वीडियो बनाया गया, किस हद तक उनको जलील किया गया, मतलब जो देखेगा, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी धर्म का हो, जो देखेगा वो अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करेगा कि क्यों हूं मैं इस देश में, मैं हिंदुस्तान में क्यों हूं, जब मेरे बाप के उम्र के शख्स को ऐसे पीटा जा रहा है और कुछ हिजड़े जैसे वीडियो बना रहे, एक शेर को 10 चूहे मार रहे। भाइयों बहुत सारी चीजें हो रही है, बहुत सारी चीजें हिंदुस्तान में हो रही है, बस वोट आता है तो ये हमारे पास पहुंच जाते हैं, हमारे से डर 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 की राजनीति करते हैं, हमको डराते हैं कि सुन लो ये मत करना, अपनी आपा को मत जिताना, हमारी ताई को जिताना, इनकी ताई जीतेगी फिर ये जाके अपने ऑफिस के बाहर क्या बोर्ड लगाएगी, मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड, बुरखे वाली आर नॉट अलाउड, डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो आप समझ सकते हो कि हमारी क्या औकात हो जाती है। वोट आने देने की बारी आती है ना तो सर के ऊपर, और जैसे ही काम खत्म नीचे, सही बोले हो तो। लेकिन ये हमारी कमी है, हम इस चीज को भूल जाते हैं ना, हम इस चीज को भूल जाते हैं। हम ऐसा हो जाता है कि पता नहीं क्या कौन आके हमको घुट्टी पिला देता है, हाँ हाँ नहीं 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 आपा को वोट मत दो, ताई को दो,
ताई भला करेगी। अरे अपने और पराए में भेद तो देखो, आंखों पे तो भरोसा करो अपने। आपकी आंखें क्या बोल रही है, आपका दिमाग क्या बोल रहा है। भाइयों, इस बार बहुत हिम्मत करके आपके सामने मैं, वहां गोवंडी की कॉर्पोरेटर, यहाँ पे एक औरत आके आपके बीच लड़ने की कोशिश कर रही हूँ। साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए मेरा। इस वक्त, ये वक्त है हम सबको इकट्ठा होना, ये वक्त है हमको अपनी ताकत दिखाना। अगर हम एक हो जाएंगे तो जिसे चाहे उसे झुकाएंगे, जिससे चाहे उससे हमारी बातें मनवाएंगे। मैं इस डैश से वादा करती हूँ, अगर मैं जीत के आई तो पहला काम मेरे एजेंडा पे होगा जो नेहरू नगर का रास्ता बंद हुआ है उसको खुलवाना। दूसरा काम मेरा जो रहेगा कि फुट ओवर ब्रिज, जिसकी वजह से बहुत बेअदबी होती है, जनाजे को बहुत तकलीफ होती है लेके जाने, उसको पहला प्रायोरिटी उसको बनाना। और जहां जहां ये सोसाइटियां बनी है हमारे दम पे, ये वोट लेके राजनीति करते हैं, फिर बिल्डर्स बन जाते हैं, उसके बाद सोसाइटी में हमारे को फ्लैट्स नहीं देते, ऐसी सोसाइटियों पर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया है हमको कि हम जहां चाहे रह सकते हैं। अगर हमारे पास उस सोसाइटी में फ्लैट खरीदने का पैसा है तो हमको वो अधिकार वो छीन नहीं सकते। हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग हैं, हम एक साथ रह के मिल के रहने को मानने वाले लोग हैं, हम सभी धर्मों का रिस्पेक्ट करना, हमारे को बताया गया है कि हमको सभी धर्मों का रिस्पेक्ट करना है। लेकिन सारी चीजें, सारा सब्र हमारे को ही क्यों, हमें क्यों हर बार सब्र करना? हमारे नकाब तक इनके हाथ पहुंचते हैं, कहा जाता है सब्र कर लो। मस्जिदें शहीद होती है, कहा जाता है सब्र कर लो। हमारे बुजुर्गों को चलती ट्रेन में मारा जाता है, कहा जाता है सब्र कर लो। मेरे भाई जुनेद को, उसने क्या था वो, रमजान में तरावी की नमाज पढ़ाई, वो लड़का 19 साल का, भूल गए 4 साल पहले का इंसिडेंट, 5 साल पहले, दिल्ली का वो बच्चा महीना भर तरावी की नमाज पढ़ाया, पैसे इकट्ठा करके दिल्ली गया था शॉपिंग करने, ईद की शॉपिंग करके ट्रेन से बच्चा घर आ रहा था। आप समझ सकते हो क्या उसके साथ, सीट पे बैठने पे उसको मारा गया, जिसे कहा गया मॉब लिंचिंग। इससे पहले हमने कभी नहीं सुना था मॉब लिंचिंग, लेकिन 2014 के बाद से क्या हो रहा है, कैसे मारा जा रहा है हमको, दौड़ा दौड़ा के, सही है ना। एक एक दाढ़ी टोपी वाले को 10-10 कुत्ते चूहे पीछे लग के, कुत्ते क्या बोलेंगे, चूहे हिजड़े, अभी चूड़ियां उनको ही पहनने का वक्त आ गया है। इंशाल्लाह ये बहन ही अपनी चूड़ियां उनको पिनाएंगी, बस 5 साल का वक्त दो, बस 5 साल का वक्त दो, इंशाल्लाह ये बहन अपनी चूड़ियां उनको पिनाएगी, देख लेना। ये हाथ बहुत मजबूत है, ये आवाज बहुत मजबूत है, बस थोड़ा सा आपका साथ चाहिए, बस साथ दीजिए। बहुत, मतलब इतना बड़ा इलाका है, ईस्ट है, वेस्ट है, उसके बाद सब जगह सब लोगों के पास जाना है, सबको अपनी बात कहना है। कोई कहता है वोट काटने को खड़ी है, मुझे देखिए मेरे शक्ल में कोई फरेब दिख रहा है आपको, लग रहा है आपको मेरी शक्ल में कोई फरेब कि मैं वोट काटने के लिए खड़ी हूँ? अरे भाई, मैं अपने लोगों के लिए खड़ी हूँ। मैंने देखा है इनकी सोसाइटी और अपनी बस्तियों का फर्क, मैंने देखा है इनकी ऊंची ऊंची, इनकी सोसाइटियां ऊंची ऊंची होती जा रही है और हमारी बस्तियां बद से बदतर होती जा रही है। मैंने ये फर्क देखा, मैंने सोचा कि क्यों ना अपने लोगों के विकास के लिए कुछ किया जाए, इनकी सोसाइटी की टक्कर में हमारी बस्ती बसाई जाए। इसीलिए मैं आपके बीच आई हूँ भाइयों, मुझे वोट दीजिए आने वाली 20 तारीख को, प्लीज। आप सबसे दरख्वास्त लेके आई हूँ, आने वाली 20 तारीख को 5-6 बजे तक आप अंदर जाइए। और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी, और मैं कहूंगी ना कि बाद में हम अपने आप को कोसते हैं, हम लोगों का क्या होता है ना, घर में 5 वोट है, छुट्टी का दिन होता है, सोचते हैं 5 बजे 3 बजे उठ के जाएंगे, खाना खा के जाएंगे, सो के जाएंगे,
तब तक ये आते हैं, वोट डाल के निकल जाते हैं। और हमारे घर में अगर 5 वोट है तो सिर्फ 2 जाएंगे, बाकी 3 सोते रहेंगे। सही है ना? इसलिए हमारी बस्तियों में क्या होता है, हमारे यहाँ पे पोलिंग 40-45% और उनकी 80-70%। तो अभी जितने वोट है समझिए कि ये जंग है। और जंग में कैसा ना निकल जाते हैं, आंख खुली नमाज पढ़े जाइए, पहला अपना वोट डालिए, अपने घर वालों का वोट डालिए, उसके बाद अपने आस पड़ोस में जाके पूछिए, भैया वोट डाला, बहनी वोट डाल के आई हो, नहीं तो चलो वोट डाल लो। ये लड़ाई इस वोट की लड़ाई है, ये लड़ाई कोई तलवार की नहीं है, कोई हथियार की नहीं है, ये लड़ाई है वोटों की लड़ाई। और हम जैसा भाई ने कहा, हम वो फल देने वाले दरख्त है जिसके ऊपर हर एक की नजर है, हर एक कहता है कि वो अपनी मिल्कियत समझता है। जो मुसलमान माइनॉरिटीज का वोट है उसको ये क्या समझते हैं, ये हमारी मिल्कियत है। क्यों भाई, क्यों आपकी मिल्कियत है, जब आप हमको हिंदुस्तान में एक प्राइमरी सिटीजन का दर्जा नहीं दे रहे हो, हमेशा हमको सेकेंडरी दर्जा दिया जाता है कि नहीं? हमारे खिलाफ बिल पास होते हैं, हमारे को पूछा जाता है नहीं पूछा जाता? हमारे यहाँ पे बीप बैंड होता है, हमारी किसी को पूछा नहीं जाता, क्योंकि हमारे जीते हुए लोग होते कितने हैं, हम कितने लोग अपने लोगों को जिता के भेजते हैं, लेकिन नहीं पूछा जाता है, क्योंकि वहाँ पे आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। तलाक पे बैंड लगता है, हमको नहीं पूछा जाता है। नकाब पे बैंड लगता है, हमको नहीं पूछा जाता है। वक्फ बोर्ड का तो अभी ताज़ा है ना, सभी लोग वीडियो बना के डाल रहे थे कि इसको स्कैन करो। ऐसा कुछ होता है, हम जज्बात में आ जाते हैं, लेकिन वोटिंग के टाइम पे ये इस ऑफिस में, वो उस ऑफिस में, जिसको हम देखना पसंद नहीं करते, जिसको हम बात करना पसंद नहीं करते, उनके ऑफिस से लाइन से खुल जाती है ना। आपको लगता है मैं जाके लालबाग परेल जैसे जगह पे ऑफिस खोल सकती हूँ? लेकिन हमारे इलाकों में भाई बैठे रहते हैं, इनके वकालत करने वाली वकील लोग अंदर बैठे रहते हैं और आते जाते करते रहते भाई वकालत। तो ये सब फर्क देखिए, इस सब फर्क को हमको मिटाना है, हमको सबको विकास करना है। जो इनकी सोसाइटी है उसके टक्कर में हमारी बस्तियां है, हमारी बस्तियों को उनके टक्कर में लाना है, उस ऊंचाई पे पहुंचाना है। हमारे बच्चों को हमको एजुकेट करना है, हमारे बच्चे तालीम में सबसे पीछे है और इसीलिए आज हमारा ये हाल है। तो हमको पहला काम खाना नहीं, एक टाइम का खाना खाओ भाइयों, एक टाइम, लेकिन अपने बच्चों को तालीम दिलाओ। तालीम दिलाने से हमारे बच्चों का क्या होगा ना, मुस्तकबिल संवरेगा। हमारे यहाँ पे स्कूल्स की कमी है, हमारे यहाँ पे लड़कियों के कॉलेज की कमी है, हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल्स की कमी है। इतना बड़ा इलाका है यहाँ पे, कुरला बाबा हॉस्पिटल जहाँ पे कुरला के हैं लोग जाते हैं, जहाँ पे चांदीवली विधानसभा से लोग जाते हैं, जहाँ पे कलीना विधानसभा से लोग जाते हैं, और हॉस्पिटल कितना है, एक हॉस्पिटल। तो आप समझ सकते हो कि क्या किस हालात से हम जा रहे हैं। और ऐसे म्युनिसिपल हॉस्पिटल में हमारे बस्ती के लोग जाते हैं, ना कि सोसाइटियों के। सही है ना, हम ही लोग जाते हैं ना जो बस्तियों में रहते हैं। और वहाँ पे 4-5 विधानसभा में और हॉस्पिटल हमारे लिए एक, हमारी लड़कियाँ जो पर्दे में रहती है, साथ में लड़कों के पढ़ने नहीं जा सकती है, तो हमारी बच्चों के लिए कोई स्कूल कॉलेज होता है? सिर्फ आते हैं बड़ी बड़ी बातें। आजकल तो इन्होंने बातें करना भी छोड़ दिया है, आजकल सिर्फ डराओ मुसलमानों को और इनका वोट लो, बस एक ही एजेंडा है। अभी पहले तो बातें करते थे कि हम इनके लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन 2014 के बाद से ना सिर्फ डर की राजनीति। इनको पता चल गया है कि सिर्फ मुसलमान को डरा दो कि भाई यहाँ वोट डालोगे तो ये होगा। और मेरा भाई बहुत ही भोला है, वो डर में आ जाता है, पर भाई डरो मत। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि हम तब भी नहीं डरे थे जब हम 313 थे, तो आज हम डरेंगे? आज तो माशाल्लाह हम सेकंड मेजॉरिटी है ना, 30 करोड़ है हम, तो अब हम नहीं डरेंगे, अब हम इनके डर की राजनीति नहीं होने देंगे।